वेलकम स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसमें डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु उन अणुओं को कहते हैं जो समान प्रकार के दो परमाणुओं से मिलकर बने हों, जैसे H2, O2, C2, N2 एक्सेट्रा। इस प्रकार के अणु समान ऊर्जा वाले परमाणवीय कक्षकों के संयोग से बनते हैं। आज हम देखते हैं हाइड्रोजन अणु, इसका ऊर्जा स्तर आरेख, और हाइड्रोजन अणु आयन, इसका ऊर्जा स्तर आरेख। इन दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। H2 अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक अतिव्यापन करके दो आणविक कक्षक सिग्मा बॉन्डिंग 1s तथा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s बनाते हैं। H2 अणु में दोनों इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले सिग्मा बॉन्डिंग 1s कक्षक में रहते हैं, इसलिए H2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंध क्रम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बंध क्रम बराबर बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2। तो NB माइनस NA अपॉन 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2। एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो गया 0। तो 2 माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, मतलब H2 अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अणु की चुंबकीय प्रकृति भी हम बता सकते हैं। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों सिग्मा बॉन्डिंग 1s कक्षक में युग्मित या पेयर्ड अवस्था में हैं, इसलिए H2 का अणु प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक है। अब ये देखिए H2 अणु का ऊर्जा स्तर आरेख किस तरह से बना सकते हैं, हम इसे एक बार इसे डिटेल में फिर से समझते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं। लेफ्ट में हमने लिखे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक हाइड्रोजन के, और राइट में एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दूसरे हाइड्रोजन एटम के। तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पता है 1s1 है। तो 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में रहता है। तो दोनों तरफ हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए और बीच में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो हम लिखते हैं। हाइड्रोजन अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक अतिव्यापन करते हैं और दो आणविक कक्षक सिग्मा बॉन्डिंग 1s तथा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बनाते हैं। H2 अणु में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अब
कम ऊर्जा वाले सिग्मा बॉन्डिंग 1s कक्षक में चले जाते हैं। क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग 1s कक्षक की ऊर्जा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s कक्षक की ऊर्जा से कम होती है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल में रहते हैं। इसीलिए H2 अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है सिग्मा बॉन्डिंग 1s2। अब इस डायग्राम से देखिए, बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग में कितने हैं? दो, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग 1s इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। माइनस Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग देखिए यहाँ पे खाली है, सिग्मा स्टार से हमने इसे दर्शाया है, ये खाली है। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 - 0/2 = 1। तो H2 अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध या सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी चुंबकीय प्रकृति। आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स द्वारा हम अणु की चुंबकीय प्रकृति आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सिग्मा बॉन्डिंग 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों ही युग्मित अवस्था पेयर्ड हैं, इसलिए H2 का अणु प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं H2+ हाइड्रोजन अणु आयन। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, हमें पता है ये। H+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s0, एक इलेक्ट्रॉन है निकल जाता है, तो 1s0 H+ में। H और H+ मिलकर के H2+ बनाते हैं और H2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा बॉन्डिंग 1s1 होता है। बॉन्ड ऑर्डर इसका वही Nb-Na/2। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये है यहाँ पे 1-0/2, तो ये हो गया 1-0/2 = 0.5। और नेक्स्ट है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए H2+ अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है। अब ये हमने बनाया है H2+ आयन का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। इसे आसानी से आप बना करके प्रैक्टिस कीजिए। लेफ्ट में एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन एटम, और राइट में हमने बनाया है हाइड्रोजन आयन, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने लेफ्ट में 1s में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, जबकि राइट में H+ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1s0 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन चूंकि सिग्मा बॉन्डिंग 1s कक्षक की ऊर्जा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s कक्षक की ऊर्जा से कम है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 1s में रहता है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर Nb-Na/2
बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 माइनस 0 अपॉन 2 बराबर हाफ बराबर 0.5। और चूंकि यहाँ पे बॉन्डिंग में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई पेयरिंग नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम कहेंगे H2+ आयन पैरा मैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। तो आज हमने H2 अणु का ऊर्जा स्तर आरेख देखा और H2+ हाइड्रोजन अणु आयन का ऊर्जा स्तर आरेख देखा। नेक्स्ट टर्न पे हम और भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ऊर्जा स्तर आरेख पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक आप इन्हें बना करके खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। और भी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स आपके सिलेबस में हैं, उन्हें बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।